अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशखुर्रम होंगे। और मेरी सुबह का आगाज़ हो गया। आज मैं नीचे आई, ऊपर नहीं बनाई मैंने वीडियो, नीचे आके बनाई। मैंने कहा आपको नीचे का भी थोड़ा सा एरिया दिखा दिया जाए। हमारा इधर का एरिया है पूरा, और इस तरह से इधर पेड़ लगे हैं सारे। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पे बैठना, बहुत मज़ा आता है। तो जी आज मैं आपके लिए चंद देसी टोटके लेके आई हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद ही साबित होंगे। तो पहला टोटका तो यह है कि आप नहाने जाते हैं ना, जब तो आप नहाने में अपनी बाल्टी में ना आधा नींबू निचोड़ लें और फिर आप नहाएं। आप देखिएगा आपका जो एक महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। आपकी जो जिस्म की स्किन है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। और दूसरा टोटका ये है कि आपको अगर जब बुखार हो ना, तो आप काली मिर्च और अदरक का ना पानी पिएं। काली मिर्च और अदरक का पानी पिएं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। और तीसरा टोटका ये है कि सुबह नहार मुना आप गुड़ और भुने हुए चने खाएं। इससे क्या होगा, जो अंदरूनी कमज़ोरी होती है ना आपकी, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी और आप एक महीने में इसका रिज़ल्ट ज़रूर ज़रूर देख लेंगे। और जो लोग अपने जो है वेट कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त से ये टोटका है कि आप सौंफ का पानी नहार मुँह सौंफ का पानी पिए रोज़ाना रोज़ाना, और आप देखेंगे एक से डेढ़ महीने में आपको अपने वेट में ज़रूर फ़र्क लगेगा। और आप ज़रूर बताइएगा मेरी ये टोटके आप लोगों को कैसे लगे, और जो है आप लोग इसे ज़रूर यूज़ किएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ ना। चले भाई, अब ये गोलगप्पा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, अब देखते हैं कौन विनर होता है। चलिए भाई, 1 2 3 स्टार्ट। देखो कौन कौन, आराम आराम से खाना, फंदा नहीं लगाना। फंदे नहीं लगाने, हाँ आराम आराम से। लो भाई, अभी है पानी, है पानी। चले भाई, ये चैलेंज जो है अब लो भाई। चलो इन दोनों में देखते हैं ना, इन दोनों में चलो सेकंड भी तो होगा ना, सेकंड थर्ड है ना, सेकंड कौन होता है देखते हैं, सेकंड कौन होता है देखते हैं। सेकंड कौन आया, सेकंड दुआ, सेकंड दुआ सेकंड हो गई, वाह। तो जी आज मैं आपसे एक बहुत प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ, मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से भी ज़रूर शेयर करूँ। एक हकीम ने अपने बेटे से बोला, तीन बातों में कभी ज़िंदगी में दस्तबरदार नहीं होना। बेटे ने पूछा वो क्या, उन्होंने कहा बेहतरीन खाना खाना, बेहतरीन बिस्तर पर सोना और बेहतरीन घर में रहना। तो बेटे ने कहा हम तो इतने गरीब हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हकीम साहब ने इतना प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर तुम सिर्फ भूख के वक्त खाना खाओगे तो वो बेहतरीन खाना होगा, और अगर तुम थक हार कर मेहनत करके अपने बिस्तर पर सोओगे तो वो बेहतरीन बिस्तर होगा,
और जी अगर उन हकीम साहब ने कहा अगर तुम लोगों के दिलों में अच्छा सलूक करोगे लोगों से और लोगों के दिलों में अपना घर बना लोगे तो इससे बेहतरीन घर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तो इतनी मुझे बहुत इतनी प्यारी बात लगी है और ज़रूर सोचिएगा कि ये सब चीज़ें हम करते हैं क्या। और जो है मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।